जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति की बैठक संपन्न। S0L0W0M0 से संबंधित ग्राम पंचायतों में टैक्स का निर्धारण कर प्राथमिकता के आधार पर वसूली करते हुए ग्राम पंचायत का राजस्व बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। बरेली 27 दिसंबर। जिलाधिकारी श्री शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में आज जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ग्रामों को मॉडल ग्राम बनाए जाने हेतु ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधी कार्यों यथा R0 R0 C0 सेंटर, कंपोस्ट पिट, नादे पिट, नाली निर्माण, व्यक्तिगत सोक पिट, सामुदायिक खाद के गड्ढे, वर्मी कंपोस्ट पिट, डस्टबिन आदि की प्रगति की तथा प्रत्येक विकास खंड स्तर पर प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण कराए जाने की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने S0L0W0M0 से संबंधित ग्राम पंचायतों में टैक्स का निर्धारण कर प्राथमिकता के आधार पर वसूली करते हुए ग्राम पंचायत का राजस्व बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। विकास खंड फतेहगंज पर 0 ग्राम पंचायत पिथुपुरा के राजस्व ग्राम रफियाबाद में निर्मित कराए गए गोबर गैस प्लांट को सुचारू रूप से संचालन किए जाने के लिए आसपास की ग्राम पंचायतों गौशालाओं से आवश्यकता के अनुरूप गोबर की व्यवस्था कराने की अपेक्षा की। उन्होंने S0L0W0M0 से संबंधी सभी कार्यों को 15 जनवरी 2023 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के साथ ही जनपद के अन्य सभी ग्राम पंचायतों की S0L0W0M0 से संबंधी सभी कार्यों को कराए जाने के लिए कार्ययोजना बनाकर प्रस्ताव जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री जग प्रवेश, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार, परियोजना निदेशक DRDA श्री तेजवंत सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री विनय कुमार, जिला सूचना अधिकारी श्री योगेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।